नमस्कार दोस्तों, विल्यास किचन में आपका स्वागत है। आज मैंने बनाए हैं दही वाले सैंडविच, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, और ये खाने में बहुत हेल्दी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सैंडविच बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ली है आधा किलो दही। दही का मैं पानी निकाल दूँगी, तो मैंने ये सूती कपड़ा लिया है, इससे मैं दही को छान लूँगी। दही को ऐसे ही मैं 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे लटका कर छोड़ दूंगी, जिससे इसका सारा पानी निकल जाएगा। देखिए, दही का सारा पानी निकल गया। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल लूंगी। देखिए दही का कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर आया है। अब इसमें डालेंगे एक बारीक कटी शिमला मिर्च, एक बारीक कटा प्याज, एक गाजर जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, दो बारीक कटी हरी मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, चौथाई चम्मच चिली फ्लेक्स, चौथाई चम्मच पिज्ज़ा सीज़निंग, 100 ग्राम चीज़ जिसे हम ग्रेट करके डालेंगे, अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम सैंडविच की स्टफिंग करेंगे। सैंडविच के लिए सबसे पहले हम ब्रेड स्लाइस में बटर लगाएंगे। देखिए मैंने ब्रेड स्लाइस में बटर लगा दिया, वैसे ही सारी स्लाइस में बटर लगा लेंगे। देखिए बटर लग चुका है। बटर की साइड से ही हम तवे में सेकेंगे। इस साइड पे हम स्टफिंग लगाएंगे, ऐसे हम ब्रेड को ऐसे हम रख देंगे। अब स्टफिंग भरेंगे। देखिए मैंने दोनों ब्रेड में स्टफिंग लगा ली है। देखिए हम ब्रेड को इस तरह से रखेंगे, इसका बटर वाला हिस्सा नीचे तवे पर रहे और नीचे की स्लाइस का बटर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहे। इस तरह से मक्खन वेस्ट भी नहीं होता, सारा ब्रेड में ही रहता है और सैंडविच बहुत अच्छे ढंग से सिकता है। अब सैंडविच को थोड़ी देर धीमी आँच में सिकने देंगे। चलिए अब सैंडविच को पलट कर देखते हैं। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से हम ऐसे प्रेस करेंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी सेक लेंगे। देखिए सैंडविच दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। ऐसे ही हम दूसरा सैंडविच बनाएंगे। देखिए सैंडविच दोनों तरफ से अच्छे ढंग से सिक गया है। तो चलिए अब प्लेटिंग करते हैं। देखिए सैंडविच बनकर बिल्कुल तैयार है, कितने बढ़िया बने हैं ये देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।